नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एक मित्र के अनुभव को साझा कर रहे हैं। हालांकि यह एक काफी मजाकिया अनुभव है और यह अनुभव उनकी स्वागत के रात को घटित हुआ था। यहां हमने नाम और पहचान बदल दी है, लेकिन यह एक वास्तविक अनुभव है। राधे मोहन एक काफी सुशील और संस्कारी लड़का था और वह धार्मिक राह पर चलता था। इसी कारण से वह बीड़ी सिगरेट शराब को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता था और अंडे के साथ साथ नॉनवेज खाना तो बहुत बड़ी बात थी। राधे मोहन एक मेहनती लड़का था तो उसने अपनी मेहनत के बल पर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जिससे राधे मोहन को ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता था। जब राधे मोहन का काम सही चल रहा था तो उनके परिवार वालों ने उसकी शादी करने की सोची। राधे मोहन से इस बात की स्वीकृति ले ली और उनके लिए एक लड़की की तलाश की, क्योंकि राधे मोहन अच्छा खासा कमा लेता था तो एक अच्छे परिवार की लड़की से उनका विवाह निश्चित हो गया। वह भी काफी पैसे वाले परिवार की लड़की थी। राधे मोहन के काफी सारे मित्र थे, लेकिन अंकित बचपन का मित्र था और वह एक दूसरे के साथ काफी बातें शेयर किया करते थे। दोनों बचपन से ही एक स्कूल में पढ़े थे, एक ही कॉलेज में गए थे, तो मित्रता काफी प्रगाढ़ थी। लेकिन अंकित राधे मोहन की तरह धार्मिक नहीं था, लेकिन वह एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति था। रात को जब राधे मोहन की सुहागरात थी तो राधे मोहन ने अंकित से कहा, यार मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी पत्नी मुझसे इम्प्रेस हो जाए, कुछ तो बताओ। हालांकि अंकित स्वयं भी शादीशुदा नहीं था, लेकिन उसने काफी सोचने समझने के बाद एक तरीका ढूंढ लिया। उसने कहा, राधे मोहन यार तुम शराब नहीं पीते हो, तो रात्रि को अपनी पत्नी के पास जाना और एक शराब की बोतल लेकर जाना। निश्चित ही वह सभी लड़कियों की तरह तुम्हें शराब पीने के लिए मना करे, तो तुम तुरंत सारी बोतल को नाली में बहा देना और कहना कि अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद मैंने तुम्हारे लिए शराब छोड़ दी है, तो वह निश्चित ही तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी, क्योंकि लड़के ऐसा नहीं करते हैं। यह तरीका राधे मोहन को काफी पसंद आया। उसने शराब की छोटी बोतल खरीद ली और रात्रि को जब वह अपनी पत्नी के पास गया तो उस बोतल को अपने हाथ में लेकर गया ताकि वह उसे नजर आए। काफी सारे रस्म और रिवाज के कारण उस रात उसकी पत्नी भी काफी थक गई थी। बोतल को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तपाक से कहा, क्या सोडा लेकर नहीं आए, मैं तो सोडे के साथ पीती हूँ। यह सुनते ही राधे मोहन के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे काटो तो खून नहीं। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि वह क्या कहे। इस अनुभव में इतना ही, क्योंकि इससे आगे का अनुभव शेयर नहीं किया गया था। यह व्यक्तिगत अनुभव आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई भी ऐसा ही मजेदार अनुभव या शिक्षा देने वाला कैसा भी अनुभव हो तो आप हमें जरूर लिखें। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों नमस्कार।